हेलो फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो उन बच्चों के लिए जो कैट की तैयारी कर रहे हैं और जो कैट एग्जाम देना चाहते हैं, ठीक है ना। और आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप कैट में अच्छी परफॉर्मेंस कैसे दे सकते हैं या कैट में अच्छा स्कोर, जैसा कि बच्चे ज़्यादातर ड्रीम करते हैं कि 99+ परसेंटाइल लाएँ, तो अब मैं बताऊँगा कि आप 99+ परसेंटाइल कैसे ला सकते हो, ठीक है ना। अब देखो, सबसे पहली चीज़ आएगी, लाइक बहुत सारे लोग, आप लोग सोचें कि मैं बेवकूफ़ हूँ या मतलब ऐसे ही मेरे बताने से अगर 99+ परसेंटाइल आ जाएंगे तो यार सब लोग लेते हैं, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट 2000 बच्चों को पढ़ाया जिसमें से ऑलमोस्ट 100 से ज़्यादा बच्चे 99+ लाए हैं परसेंटाइल। अब तो सबके क्यों नहीं आए, मैंने सबको ये बात बताई होगी, लेकिन देखो बातें बताना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे मैंने 1000 बच्चों को बताया होगा, पता है 1000 के 1000 बच्चे अच्छा स्कोर नहीं करते। स्कोर सिर्फ एक बच्चा वो करता है जो जिन बातों को मैं बता रहा हूँ उस पर अमल करता है। अगर मैंने बोला है उससे कि 2 घंटे पढ़ो तो 2 घंटे पढ़ता है, अगर मैंने बोला कि 1 घंटे पढ़ो 1 घंटे पढ़ेगा, अगर मैं बोलूँगा उससे 5 मिनट ही डेली पढ़ो लेकिन इस तरीके से पढ़ो, वो उस तरीके से पढ़ेगा। तो अगर आप ये वीडियो देखना शुरू किए हैं तो मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप यह वीडियो स्टार्टिंग से लेकर अंत तक देखिए, बीच में कहीं भी मत छोड़िएगा। और मैं जैसे जैसे बोलूँगा, अगर आप वैसे वैसे करते हो तो मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि आपके कैट में 99+ परसेंटाइल डेफिनेटली आएंगे। मैं पिछले 6 साल से कैट का एग्ज़ाम दे रहा हूँ और ऑलमोस्ट हर साल मैंने क्वांट और DILR सेक्शन में 99+ परसेंटाइल स्कोर किया है। और जब मैंने पहला कैट का अटेम्प्ट दिया था, पहला मॉक टेस्ट दिया था, उससे मेरे VARC में -14 मार्क्स थे, -14 मार्क्स। और मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन पता है कितने अटेम्प्ट किए थे, 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, सारे के सारे गलत थे। एक क्वेश्चन टाइप इन द आंसर नहीं, टीटा वाला था जिसपे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं थी, और बाकी सारे 14 जो क्वेश्चन मैंने किए थे सब निगेटिव मार्किंग था, RC था और वर्बल एबिलिटी के 1-2 क्वेश्चन थे, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन गलत थे और मेरा जो स्कोर था -14 था। उसके बावजूद कैट में मेरी जो परसेंटाइल थी VARC में 94% थी, ठीक है ना। तो देखो कैसे, अगर मैं पहला ही मॉक दे रहा हूँ कि मेरे मतलब इंग्लिश सेक्शन में जिसमें मैंने 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया उसमें मेरे सारे के सारे मतलब एक सिंगल क्वेश्चन नहीं गलत, पता है सारे क्वेश्चन गलत करना एक आर्ट होता है, मेरे ख्याल से किसी का भी सारे क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकते, तुक्के में भी 1-2 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, लेकिन मेरा कुछ नहीं था, सारे के सारे क्वेश्चन गलत थे और मेरा स्कोर था -14। उसके बावजूद मैं कैट में VARC सेक्शन में जो अभी मेरा हाईएस्ट परसेंटाइल था उसमें 94% था। मैं कैसे -14 मार्क्स से 94% और इसमें जो मेरा मार्क्स था 62 पॉइंट समथिंग, यानी -14 से 62 मार्क्स का सफर मैं कैसे तय किया, मैं आप लोग को बताऊंगा। और मैं ये भी बताऊंगा कि आप कैसे कर सकते हैं, आप अगर किसी भी सेक्शन, फॉर एग्जांपल VARC, LRDI या तो क्वांट्स यानी QA, किसी भी सेक्शन में अगर आप वीक हैं तो उस वीकनेस से कैसे दूर, उस वीकनेस को कैसे दूर किया जाए और कैसे उस पार्टिकुलर सेक्शन में ओवरऑल अच्छा करके अपनी कैट की परसेंटाइल को इम्प्रूव किया जाए, मैं सारी चीज़ें आप लोगों से अभी डिस्कस करूंगा। और बस मैं इतना चाहूंगा, जैसे मैंने अभी बताया कि आप यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखें, वीडियो बहुत बड़ा नहीं होगा, 10 से 15 मिनट का होगा, तो मेरे ख्याल से 10 से 15 मिनट में कोई ट्रेन आपकी छूटने वाली नहीं है, तो आपको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी 99+ परसेंटाइल आए, ठीक ना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कि कैट की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए अगर आप 99+ स्कोर करना चाहते हैं, ठीक। तो देखो सबसे बड़ी बात होती है, एक बात बताओ, आपने देखा है कि लाइक मेरे ख्याल से जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं सबने अपनी लाइफ में एक छोटा से छोटा अचीवमेंट तो गेन किया होगा, मतलब कोई ऐसी अचीवमेंट तो होगी यार, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ या किसी भी क्लास में, नहीं तो अपनी लाइफ में एक छोटी से छोटी अचीवमेंट तो गेन किए होंगे, ठीक। अगर मैं आपसे पूछूं कि वो अचीवमेंट आपने कैसे गेन किया, उसके पीछे जो अचीवमेंट आप गेन किए उसके पीछे का रहस्य क्या था, राज क्या था, सीक्रेट क्या था, सोचो। अगर आपने रिकॉल करो, और आपको मैं 100% से बोलूं आप में से सभी ने कोई छोटा से छोटा एक अचीवमेंट होगा जिसको आपने गेन किया है, और फिर सोचो कि उस अचीवमेंट को गेन करने के पीछे सीक्रेट क्या था। क्या आप उसमें बहुत अच्छे थे ऑलरेडी, अगर बहुत अच्छे थे तो क्यों थे, कैसे थे, और अगर बहुत अच्छे नहीं थे फिर भी आपने उस चीज को अचीव किया तो कैसे किया। मे बी आप अपनी क्लास के टॉपर हो सकते हो, मे बी आप क्रिकेट अच्छा खेलते होगे, मे बी आप
कैरम बोर्ड अच्छा खेलते होंगे, मे भी आप अच्छा लिखते होंगे, अच्छा गाते होंगे या कुछ भी अच्छा क्रिकेट खेलते होंगे या जो भी आप मतलब कुछ ना कुछ तो अच्छा करते ही होंगे, ठीक है ना, तभी आप उसमें क्या किए, अचीवमेंट गेन किए या सक्सेसफुल रहे हैं उसमें। लेकिन एक बात बताओ, आप क्रिकेट अच्छा खेलते हो, अच्छी पोएट्री कर लेते हो, तो कैसे पता, लाइक कि मैं मान लो अच्छी पोएट्री कर लेता हूँ, अच्छा लिख लेता हूँ, अच्छा क्रिकेट खेल लेता हूँ, तो जब मैं कहीं भी पार्टिसिपेट करता हूँ तो मुझे कैसे पता होता है कि मैं वहाँ पे अच्छा कर ले जाऊँगा या मैं अच्छा क्यों कर लेता हूँ, कैसे कर लेता हूँ मैं अच्छा, कभी सोचा इस बात पे? कभी सोचा है आप कि जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं उनके सक्सेस का सीक्रेट क्या था? क्या सब जितने सक्सेसफुल लोग रहे सब बॉर्न टैलेंटेड थे, उनका इंटेलिजेंट लेवल बहुत हाई था? क्या ऐसा होता है? अगर ऐसा होता है तो एक बंदा जो कैट में पहले साल 56.56 परसेंटाइल स्कोर किया था वो अगले साल 99.89 परसेंटाइल कैसे स्कोर किया? क्योंकि यार देखो जो आईक्यू लेवल होता है वो ऐसा तो होगा नहीं एक साल में इतना ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा कि पहले 56 था अगले साल 99.89 आ गया, या किसी के 99 मतलब माइनस 14 मार्क्स थे उसके बाद से उसके 62 मार्क्स आ गए विद इन द गैप ऑफ 3 मंथ्स। लाइक मेरे जुलाई में शायद मैंने पहला मॉक दिया था तो जुलाई का स्कोर था और ये कैट का रिजल्ट होता दिसंबर में, दिसंबर मतलब 3 महीने में 62 कैसे, माइनस 14 से 62 मतलब माइनस 14 मतलब सारे के सारे क्वेश्चन गलत किए और ये पर्सनल किसी और के लिए मेरी खुद की है। मैंने फर्स्ट मॉक फर्स्ट ईयर कैट जब दिया था मैंने पहली बार उसमें मेरी LRDA की पर्सनल थी 56.56 और उसका नेक्स्ट ईयर 99.89 कैसे? क्या यहां पे सिर्फ इंटेलिजेंट था? नहीं, ऐसे में तो बहुत सारे लोग डिप्रेस हो जाते हैं, जैसे अगर किसी का माइनस 14 मार्क्स आए वो डिप्रेस हो जाएगा क्योंकि मैं कैट में अच्छा कैसे करूंगा, या अगर किसी का 56 परसेंटाइल आ रहा है तो सोचेगा कि यार 56 आ रहा है तो मैं 70-80 में लेता हूं, कोई अच्छा सा कॉलेज ले लूं, रिसेंट कॉलेज एडमिशन ले लूंगा, हो जाएगा मेरा काम। इसके बावजूद मतलब 56 के बाद मैं 99 लाया, उसके बावजूद मैं मुझे इस साल एक्जलराई मिल गया था, मैंने एक्जलराई छोड़ दिया था, उसके बाद से लगातार 6 बार मैं कैट लिखा हूँ और 6 के 6 बार मेरा क्वांट और DILR में 99+ परसेंटाइल आता है, बीच में एक दो बार मेरा 98 प्लस आ गया है, मतलब हमेशा 99 नहीं रहा है, मतलब क्वांट या DILR में किसी एक में 99 हमेशा रहता है और एक दो बार बीच में क्या हुआ था कि एक बार क्वांट में और एक बार DILR मेरा 99 से कम हो गया था, उसके बाद 98 प्लस तो हर बार था कैसे? अगर मैं यहाँ पे इंटेलिजेंट की बात करता तो अगर इंटेलिजेंट मेरा पहले से बहुत अच्छा होता या सब कुछ अच्छा होता तो मैं 56.56 स्कोर नहीं करता या इंग्लिश में माइनस 14 मार्क्स स्कोर नहीं करता। उसके बावजूद मैंने स्कोर किया, कैसे किया? तो देखो आपने जैसे भी रिकॉल किया अपनी सक्सेस को लेके कि आपने क्या अचीव किया लाइफ में, छोटी मोटी अचीवमेंट आपकी क्या रही है, तो पता है अगर आप ध्यान दोगे किसी भी ड्रीम को फॉलो करने के लिए, किसी भी ड्रीम को पाने के लिए सबसे जरूरी पता है क्या होता है? क्या होता है बताओ? दो चीज, जिसमें से 99% लोग दो चीज को देखते हैं, पहला हार्ड वर्क और सेकंड क्या होता है? इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट ठीक, जिसमें से कुछ लोग बोलेंगे कि इंटेलिजेंस होता है, बाकी लोग बोलेंगे हार्डवर्क होता है। मैं बोलता हूं दोनों नहीं होता है। किसी भी ड्रीम को फॉलो करने के लिए, ड्रीम को पाने के लिए ना तो इंटेलिजेंस की जरूरत होती है ना तो हार्डवर्क की जरूरत होती है। जो सबसे पहले जरूरत होती है माइंडसेट। माइंडसेट आपका माइंडसेट कैसा है? आप उस टारगेट या उस ड्रीम या उस एग्जाम जिसको आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, जिस टारगेट जिस गोल को आप पाना चाहते हो उसके प्रति आपका माइंडसेट कैसा है? जैसे कैट की प्रिपरेशन करते हैं करीब करीब 2-2.5 लाख बच्चे, ठीक है, हर साल 2 से ज़्यादा लाख बच्चे क्या करते हैं, कैट का एग्जाम देते हैं, लेकिन उसमें से मुश्किल से 10% बच्चे होते हैं, 10% नहीं होते हैं, मुश्किल से 4 से 5% बच्चे होते हैं, बस 4 से 5% बच्चे बस होते हैं जो सोचते हैं कि उनका 99 प्लस आ सकता है। बाकी बच्चे मैं फैक्ट जो 4-5% दिया हूं, मैं भी थोड़ा सा ज्यादा दिया हूं,
इससे कम ही बच्चे होते हैं जो गारंटीड होते हैं कि मेरा 99 प्लस तो आएगा ही आएगा, या अपने आप खुद को लेकर कॉन्फिडेंट होते हैं कि मेरी परसेंटाइल 99 प्लस आएगी। मेजॉरिटी जो होती है वो जो ड्रीम फॉलो करती है उसमें से जो मेजॉरिटी मतलब जो बचता है उसमें 10% बच्चे अपना 90 प्लस चाहते हैं, और जो बच्चे खुचे होते हैं 10-15% बच्चे क्या करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमारा 85 प्लस आ जाए, और 30% बच्चे सोचते हैं कि मेरा 60 प्लस आ जाएगा, 70 प्लस आ जाएगा, और बाकी के जो बच्चे होते हैं 50% बच्चे ऐसे होते हैं जो कैट का एग्जाम बस देने के मकसद से देते हैं, उनका कोई ड्रीम नहीं होता, उनका कोई परसेंटाइल नहीं होता, वो एक कभी नहीं सोचते कि मेरी कितनी परसेंटाइल आएगी, क्या आएगा, क्या कुछ नहीं मतलब। वो अगर कोचिंग भी ज्वाइन करते हैं तो बस कोचिंग जाते हैं, तैयारी भी करते हैं तो बस तैयारी करते हैं, उनका कोई मोटिव नहीं होता एग्जाम को लेके कि मुझे कितना गेन करना है, क्या करना है, कुछ मतलब नहीं होता। अब आप ये डिसाइड करो आप किस कैटेगरी में हो, क्योंकि देखो कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करने से पहले सबसे बड़ी बात जो होती है ना वो अपने ऊपर, अपने मन के ऊपर जीत की होती है। अगर आप अपने माइंडसेट को, अपने आप को कन्विंस नहीं कर सकते कि मैं इतना ला सकता हूँ, तो मेरे दोस्त गारंटी है थोड़ा सा बुरा लगेगा लेकिन आप कभी कुछ नहीं कर सकते। अगर आप अपने आप को कन्विंस नहीं कर सकते कि आप 90 प्लस कैट में स्कोर कर सकते हैं ना, तो कोई भी टीचर, कोई भी कोचिंग, कहीं भी आप ज्वाइन कर लो, कुछ भी कर लो, किसी से पढ़ लो ना, आपका कभी भी 90 प्लस स्कोर नहीं आएगा। हाँ, अगर आ गया तो लक होता है, जो हर एग्जाम में हर जगह 1% का वेटेज रखता है। अब दो चीज़ें, या तो हर चीज़ मतलब जो भी आप कर रहे हो सबको लक के बेसिस छोड़ दो, बहुत रेयर चांसेस हैं आप सक्सेसफुल हो, 1 से भी कम होता है, ठीक है ना। या तो आप अपना माइंडसेट बनाओ, और माइंडसेट वर्ड पे मैं इतना ज़्यादा इंफेसाइज क्यों कर रहा हूँ पता है, क्योंकि दुनिया की कोई ताकत जो नहीं कर सकती वो आपका माइंडसेट कर सकता है, पता है। जहाँ चाह है वहाँ रहा है, मतलब वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, ये जो कोटेशन बना है ना ऐसे नहीं रैंडमली कहीं से उठा लिया गया और लिख दिया गया है, ऐसा नहीं हुआ है। हजारों करोड़ों लोगों ने इस कोटेशन को पहले प्रूव किया है। कोई भी कोटेशन तब बनता है, तब लिखा जाता है जब उसको किसी ने वो करके दिखाया हो, ठीक है। तो अगर बोला गया वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, तो सबसे पहले आपके अंदर क्या होनी चाहिए, विल होनी चाहिए, विल पावर होना चाहिए। अगर आपका विल पावर ये आपसे नहीं बोलता है कि आप 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं, तो मेरे दोस्त आपके लिए जो कैट का सफ़र है बहुत ही मुश्किल होने वाला है। आप चाह के भी कितनी मेहनत कर लो, पहली बात मेहनत आपसे हो ही नहीं पाएगी, और आप मेहनत करोगे तब भी आप 90 प्लस या 99 स्कोर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप लोग अगर कैट की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो सबसे पहले अगर आप कुछ करना चाहते हो तो अपने माइंडसेट को स्ट्रांग बनाइए। 1 साल की बात है यार, यह मैं अपने हजारों स्टूडेंट से बोल चुका हूँ कि अगर तुमको अच्छा स्कोर करना है तो सबसे पहले तुम ये मानो कि तुम अच्छा करोगे। और पता है उसमें कोई मानने को तैयार नहीं होता कि मैं अच्छा करूँगा, बोलते हैं सर आप तो ऐसे बोलते हैं कैसे आ जाएगा मेरा, आप बोल रहे हैं। पता है जब तक आप इस बात को मानने के लिए रेडी नहीं होगे कि आप अच्छा कर सकते हो, या आपका जो भी ड्रीम है, लाइक मैंने 99 की बात की है, कि आप सबसे पहले आप मानो कि आप 99 प्लस परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो। जब आप मानोगे तो ये जो चीज़ होती है हार्डवर्क ना, इसी की डायरेक्टली प्रोमोशन होती है। आप अगर चाहोगे कि आपको 99 लाना है, आप लाने के लिए रेडी हो, तो आपका हार्डवर्क ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगा। आप हार्डवर्क दिखेगा यार, जिसका 99 का टारगेट होता है ना वो कम से कम 50-60 मार्क देता है, 70 मार्क देता है, और जिसका टारगेट ही नहीं होता, जो सोचता है कि 70-80% लाना है, वो पता है पूरे साल में 10-12 मार्क दे दे वो भी बहुत है। और जो 99 वाला बंदा होगा वो ढूंढ ढूंढ के मार्क लगाएगा, कभी IMS का लेगा, कभी CL का लेगा, कभी टाइम का लेगा, कभी किसी और कोचिंग का लेगा, ठीक है, लेकिन वो ढूंढ ढूंढ के मॉक लगाएगा। और जिसका टारगेट ही नहीं होगा वो कभी मॉक नहीं लगाया। ये डिफरेंस आप अपने दोस्तों में, जो आपके यहाँ अपने आपकी क्लास का टॉपर होगा उसके बीच देख सकते हो। जो बंदा 99 या 100 का टारगेट रखता है वो बहुत सारे मॉक लगाता है, और वो कभी मॉक के मार्क्स से, अगर ऐसा नहीं कि उसके 2-3 मार्क्स में मार्क खराब आ गए 2-3 मॉक में, तो मॉक देना बंद कर दे, ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा सिर्फ उन बच्चों के साथ होता जिनका कोई टारगेट नहीं होता, जिनका अपने ऊपर भरोसा नहीं होता कि वो कितने मार्क्स ला सकते हैं, कितनी परसेंटाइल अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपना माइंडसेट बनाओ कि आप 99 प्लस या 95 प्लस या आप जो भी अचीव करना चाहते हो आप कर सकते हो।
जिस टाइम पे आपको लगे कि आपने ये माइंडसेट बना लिया कि आपको हाँ इतना लाना ही लाना है और उस ड्रीम को फॉलो करने के लिए आप रेडी हो, आपका माइंडसेट हमेशा आपसे बोल रहा है, आपका माइंड बोल रहा है कि आप 99 प्लस या 95 प्लस या 90 प्लस स्कोर करोगे, उसके बाद से जो मैं स्टेप बताने जा रहा हूँ वो आप फॉलो करोगे, मैं गारंटी लेता हूँ आपका 99 प्लस स्कोर आएगा। देखो, सबसे पहली चीज़ होती है कि तीन सेक्शन है हमारे पास। सबसे पहला सेक्शन है VRC जो कि मुझे नहीं आता। सेकेंड सेक्शन होता हमारा LRDI यानी लॉजिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन। फिर आता हमारा QA। अब देखो यार, ये बात समझो कि बहुत रेयर, लाइक जो कैट का एग्जाम देते हैं हमारे पास 2-2.5 लाख बच्चे, उसमें से बहुत मुश्किल से 1 से 1,000 से 500 बच्चे होते हैं, 1,000 से 500 बच्चे ऐसे होते हैं, या बहुत मान लो तो 1,000 से 1,500, मतलब 1,500 से 1,000 बच्चे ऐसे होते हैं जिनका तीनों सेक्शन इक्वली गुड होता है, यानी तीनों सेक्शन अच्छा होता है। अदरवाइज उसमें किसी का क्या होता है, VA अच्छा होगा तो LRDI खराब होगा, QA अच्छा होगा, VA अच्छा है LRDI अच्छा है, QA से डर लगता है खराब है, LRDI बहुत अच्छा है, QA बहुत अच्छा है, लेकिन VRC खराब है। मे बी आप भी इसी में से किसी एक कैटेगरी में बिलोंग करते होगे कि आपका या तो VRC सही नहीं होगा, बाकी दोनों सेक्शन अच्छे होंगे, या तो दोनों सेक्शन अच्छे होंगे VRC अच्छा नहीं होगा, ठीक, या तो आपको सिर्फ LRDI आती है, क्वांट का ही बहुत अच्छा नहीं हो, VRC बहुत अच्छा नहीं, ठीक है ना। नो मैटर यार, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो मुझे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, मैं जो बातें बताने जा रहा हूँ आप उस पर कितना अमल करते हो मुझे इस बात से फर्क पड़ता है, और आपकी परसेंटाइल भी कहीं ना कहीं इसी बात पे डिपेंड करती है। देखो, अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, जिनकी VRC अच्छी नहीं है, तो मैंने यार पिछले 6 साल से जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कैट को लेके, उसको मैंने सिर्फ एक चीज़ देखा, VRC में आपकी परसेंटाइल, आपकी कोचिंग्स में आप जहाँ भी जिस पेज को फॉलो करते हो उसे बताया गया होगा कि रीडिंग इज मस्ट, रीडिंग, ठीक है ना, और हमको भी ये लगता है कि रीडिंग जरूरी है, बिना रीडिंग के मैं VRC में अच्छा नहीं कर सकता, लेकिन हम मेहनत नहीं करते हैं, मैं अपने लिए नहीं आप सबके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले रीडिंग, अब देखो रीडिंग को अच्छा करने का तरीका क्या है, क्योंकि अभी देखो जो ये लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है कोरोना वायरस की वजह से, इसकी वजह से पता नहीं आप कब तक घर में बंद हो, आपको एग्जाम तो देना ही है, तो आप डेली अगर आपका रीडिंग हैबिट है तो आप ऑब्वियसली रीडिंग करो, अगर नहीं है तो क्या करो, 15 से 20 मिनट का टारगेट रखो कि एक बैठक में जब एक बार आप बैठो तो 15 से 20 मिनट कोई भी टॉपिक उठा के रीड करना शुरू करो। और एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप रीडिंग करने जाते हो तो सबसे पहले आप अपना फेवरेट टॉपिक चूज करो, क्योंकि पहले आप बैठने की आदत डालो कि आप डेली 1 से 2 घंटा रीडिंग करने के लिए बैठे हैं, जब आप बैठने लगोगे उसके बाद से आप टॉपिक चूज करो, पहले आप रीडिंग करना शुरू करो, ठीक है ना। तो डेली के बेसिस पे आप मान के चलो आपको एक बैठक में 15 से 20 मिनट यानी 3-4 बार आपको बैठना पड़ेगा, और करीब करीब 90 मिनट से लेके 120 मिनट तक डेली रीडिंग करनी है, डेली रीडिंग करनी है, ठीक। और कुछ नहीं करना, कभी ये मत सोचो कि ये लाइक इसमें कुछ वकैब है जो जिसकी मीनिंग आपको नहीं आती, कोई मतलब नहीं, छोड़ दो, नहीं आती छोड़ दो, उसको स्किप करो, लेकिन रीडिंग वाला पार्ट आप डेली करो। थोड़ी थोड़ी चीज़ें मतलब स्टोरी वाली चीज़ें रखो जो आपको इजीली समझ में आए, उसके बाद आप रीडिंग अपना इंप्रूव करो, ठीक है, ऑटोमेटिकली जो वर्ड्स की मीनिंग आपको क्लियर होती जाएगी। तो सबसे पहले आप डेली इतना रीडिंग करो, कोई कॉम्प्रिहेंशन या कोई वर्बल एबिलिटी का क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है, आगे के 1-2 महीने तक आप सिर्फ रीडिंग करो, और बहुत मन आ जाए तो जो कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज होते उसको बस रीड करो, समझने कोशिश करो, क्वेश्चन सॉल्व मत करो। जब ये प्रैक्टिस आप 15 से 20 दिन 1 महीने लगातार कर लेते हो, उसके बाद से आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो, ठीक। पहले क्या करोगे आप, 1 महीने तक सिर्फ रीडिंग, यानी वन मंथ तक रीडिंग, सिर्फ और सिर्फ रीडिंग, यानी अगर मैं 1 मंथ की बात करता हूँ तो पूरा अप्रैल आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ रीडिंग करना है। उसके बाद से आप क्या करना, अप्रैल से मतलब यानी मई से आप RC के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो, RC पढ़ना सीखो, RC को कैसे पढ़ा जाता है सब कुछ एकदम उसको पढ़ो, आराम से समझो, और जो क्वेश्चन देखो दिया है उसमें उसको सॉल्व कर पाते हो कि नहीं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। एक्सरसाइज आप पूरे मई तक करो, ठीक है ना। मई के बाद जैसे ही जून आता है, ठीक है ना, आप टाइम लिमिट लगा करो। अभी तक आपको मैंने स्टार्टिंग के 2 महीने टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं दिया,
पहले एक महीने आप एक घंटे में एक दो घंटे में कितनी पेजेस पढ़ते हो, कितनी लाइंस पढ़ते हो, मुझे कोई मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई मैटर नहीं करता आप कितना पढ़ रहे हो। लेकिन जैसे उसके आगे आते हो मे में आपने आरसी पढ़ना शुरू किया, मैंने नहीं बोला आपसे कि एक आरसी करने में आपको कितना टाइम देना चाहिए, कोई मतलब नहीं। इसमें डेली के बेसिस पे आप बस 2 से 3 आरसी करो, ठीक। लेकिन जैसे ही एक महीना बीते यानी जून आए, आपको टाइम लिमिट लगा के करना चाहिए, टाइमर लगा के एक आरसी करो, टाइमर लगा के करो। आप एक आरसी में 10 से 12 मिनट स्टार्टिंग के लिए बहुत है, 10 से 12 मिनट का टाइम दो, या थोड़ा सा और टाइम चाहिए तो 12 से 15 मिनट स्टार्टिंग में हर एक आरसी को मैक्सिमम 15 मिनट का आप टाइम दो, देखो कितना सही करते हो। एक एक्सरसाइज आपकी होनी चाहिए जून जुलाई, ठीक है ना। फिर आप मॉक देना शुरू करो। अब देखो जून से जुलाई में जब आप टाइमर लगा के करोगे तो होगा, मे भी हो सकता है कि आपसे बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो रहे होंगे। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आपसे क्वेश्चन गलत होंगे, लेकिन उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या करो, डेली के बेसिस पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना शुरू करो। यहाँ पे आप 2-3 कर रहे थे जून जुलाई में, वही आप क्या करो 4 से 5 आरसी करो डेली बेसिस पे। फिर क्या करो, जिस टाइप के क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो उसकी एक लिस्ट बनाओ, जिस टाइप के आप आरसी की हो, जैसे लाइक अगर साईफाई है वो साइंस पे है, हिस्टोरिकल है या फिलोसफिकल है, जिस टाइप का भी पैसेज आप कर रहे हो ना डेली, जैसे मैंने 4-5 किया तो मे भी एक ही कैटेगरी का तो सब होगा नहीं, अगर डिफरेंट कैटेगरी का है तो उसको उस कैटेगरी में रख के कहीं ना कहीं इकट्ठे कर दी जाओ। जो भी आपकी रीडिंग है उसको आप हमेशा इवेल्युएट करो कि आपने एक महीने में क्या क्या पढ़ा, आपने एक महीने में जब पढ़ा था उसमें किस टाइप के आरसी के क्वेश्चन आपने किए थे। तो सबसे बड़ी बात, इन 2-3 महीने में आपने जो भी पढ़ा है उसकी कहीं पे भी एक सीट बना के, या तो आप क्या, अगर मान लो ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो स्क्रीनशॉट लेके एक फाइल बना लो। फाइल के अंदर जो आरसी की कैटेगरी है, साइंस है तो साइंस लिख दो, फिलॉसफी है तो लिख दो, आपका हिस्ट्री है तो हिस्ट्री लिख दो, ठीक है ना, मेडिकल साइंस रिलेटेड तो उससे लिख के, अब जो भी साइंस की आरसी आए उसको इसके अंदर रखो, फिलॉसफी हो फिलॉसफी के अंदर लिखो, हिस्ट्री हो हिस्ट्री के अंदर लिखो, या आपका मेडिकल साइंस हो तो उसके अंदर लिखो, या जिस भी कैटेगरी की आपका एमबीए से रिलेटेड क्वेश्चन से मैनेजमेंट से है तो आप उसको उस कैटेगरी में डिवाइड करो, ठीक। फिर आपका क्या होना चाहिए, वीकली बेसिस पे, वीकली या हर 15 दिन पे क्या होना चाहिए, आपका इन आरसी पैसेज का रिवीजन होना चाहिए। अब आरसी पैसेज का रिवीजन का मतलब क्या है, आप रीड करो, पूरा रीड करने की जरूरत नहीं, एक बार देखो पैसेज कौन सा था और उस पर किस टाइप के क्वेश्चन बनाए गए थे, कौन सा क्वेश्चन आपको आपने गलत किया था उसको जरूर देखो, फिर आप देखो कि गलती क्यों हुई थी। आप एक्सरसाइज जैसे ही आप करोगे 3-4 महीने, मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि आप में इम्प्रूवमेंट दिखेगा। क्योंकि देखो अगर एक दिन में आप 4 से 5 आरसी कर रहे ना तो 2 महीने में होते हैं आपके पास 60 दिन, और 60 चौका 240, यानी 240 से 300 आरसी आप यहाँ पे कर रहे हो, और यहाँ पे आपने अगर 2 से 3 किया तो 60 यहाँ पे किया, यानी पूरे 2-3 महीने में आप करीब करीब 360 से लेके 400 आरसी कर चुके हो, ठीक। इसके बियॉन्ड आरसी नहीं आने वाली है, इसमें सारी कैटेगरी ऑलमोस्ट कवर हो जाएगी, ठीक है ना। अब आरसी इतने मिलेंगे कहां से, उसका मैं लिंक आपको दूंगा, आप कैट क्यूरेटर पेज को फॉलो कीजिए, वहां पे मैं आरसी के लिंक प्रोवाइड करता जाऊंगा, वहां से आपको आरसी के क्वेश्चन मिलते जाएंगे। जब भी आप एक्सरसाइज करोगे, जब भी आप ऐसे देखोगे कि आरसी के क्वेश्चन को आपने इकट्ठा किया है, मेरे दोस्त 100% मैं गारंटी लेता हूं कि आपके एग्जाम्स में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। जब आप मॉक दोगे तो देखोगे मॉक के क्वेश्चंस इन 300-400 आरसी के अलावा इधर उधर नहीं होते हैं, उसमें बस उन्हीं की प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस मिलते जाएंगे, और जहां पे रिपीटेशन स्टार्ट होगा आप वहां पे अच्छा करना शुरू करोगे, ठीक है ना। तो आरसी के लिए इतना करना है, पहले एक महीने आपको रीडिंग करनी है, उसके बाद से मे से रीडिंग नहीं छोड़ना है, उसके अलावा डेली 2 से 3 आरसी करना है, उसके बाद से जून जुलाई से क्या करना है, ओ आरसी 4 से 5 विद इन टाइम, यानी टाइम लिमिट लगा के करना है। और साथ ही साथ अब आप वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। अब देखो जब आपका रीडिंग अच्छा होगा तभी आपकी वर्बल एबिलिटी अच्छी होगी, क्योंकि जो सेंटेंस फॉर्मेशन होता है या सेंटेंस करेक्शन होता है, समरी के क्वेश्चंस होते हैं, पैराग्राफ होता है, पैरा कंप्लीशन होता है, या ऑड ऑन आउट होता है, वो आपका तभी अच्छा होगा जब आप क्या करोगे समरी के क्वेश्चन, मतलब जब रीडिंग आपकी अच्छी होगी तभी आप समरी के क्वेश्चन अच्छे कर पाओगे, ठीक। मेरी बात समझ में आ गया। अब आते हैं LRDI पे, सेम चीज, बहुत इधर उधर नहीं भागना है, प्रीवियस ईयर के मॉक लो, यानी पहले आप मॉक लो, ठीक। सेकंड किसी भी कोचिंग का हैंडआउट्स ले लो,
हैंडआउट्स बोले तो जो बुकलेट्स मिलती हैं, और थर्ड कैट के पेपर। पिछले 5-6 साल का आप मॉक लो, जिसमें कोई भी कोचिंग हो, टाइम आई एम सीएल या जो भी कोचिंग हो, सबका क्या लो आप मॉक पेपर लो 5-6 साल का, उसको लगाना शुरू करो। देखो एलआरडी एक ऐसा टॉपिक होता है ना यार, जो कभी कोई आपको नहीं पढ़ा सकता। अगर कोई कहता है कि मैं आपको एलआरडी पढ़ा देता हूं और आप उसमें अच्छा कर लो, आपको बेवकूफ बना रहा है, ठीक है ना। मैं भी कहता तो मैं भी बेवकूफ बना रहा हूं, क्योंकि एलआरडी एक मेंटल एबिलिटी होता है, ठीक है ना। आप उसको कैसे, कोई भी पैसेज को कैसे जज करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, वो सही है। हाँ, मैं एक तरीका या कोई भी टीचर एक मेथड प्रोवाइड कर सकता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो ऐसे इसको टैकल किया जाता है, लेकिन 100% गारंटी किसी की नहीं होती कि एग्जाम में क्या आएगा ना। तो सबसे पहले आप क्या करो, 5-6 को मतलब ईयर के पास्ट ईयर के मॉक पेपर लो, और उसको डेली के बेसिस पे आप अभी से 2-3 यानी जैसे यहीं से अगर मैं स्टार्ट करूँ अप्रैल में, तो फिर अप्रैल होगा तो आपका, फिर मई होगा और जून, तीन पार्ट में मैंने डिवाइड किया जुलाई। अप्रैल में आप डेली 2-3 एलआरडीए के सेट करो, मई में यही सेट कम से कम 4-5 होने चाहिए, और जून जुलाई में 6 काफ़ी है, 6 काफ़ी है, ठीक है ना। तो देखो अब बात क्या आएगी, जब भी आप करोगे अगर यहाँ पे 2-3 आपका रेड, हाँ इसमें आप कैट का इंक्लूड कर सकते हो, हैंडआउट जो कोचिंग था उसको इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन आपको 2-3 से डेली करने हैं। आप 2-3 देखो अगर आप करते हो तो 2-3 करोगे अप्रैल में क्या हो जाएगा आपका, अराउंड 75 मान लो एवरेज लेता हूँ, ऐसे ही मई में आपका हो जाएगा 250 मान लो, और जून जुलाई, मई में 250 तो नहीं होगा, 120 मान लो, जून जुलाई में आपका 250 हो जाएगा। अगर मैं इसको कैटेगराइज करूँ, सबको ऐड करूँ, तो कितना आएगा, ऑलमोस्ट आपका ये आ जाएगा 445, ठीक 445, देखो 445 यानी 400 प्लस, इसको अगर मैं बोलूं बस 400 प्लस सेट आपके तैयार हैं। अब देखो यार मेन बात हो जाती है, सेट को तैयार करने के लिए मैंने नहीं बोला कि आप इतने सारे सेट्स लगाओ, आपको करना क्या था, ये जो सेट्स है ना इसमें बहुत मुश्किल से जो आपके सेट बनेंगे 50-60 टाइप के एलआरडीए के सेट आते हैं कैट में। अगर आप पूरा सेट मिला के देखोगे तो जो सेट आए हैं कैट में अभी तक 50-60 टाइप से ज़्यादा सेट नहीं आए हैं। इसका मतलब अगर आपने 400 से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो ऑलमोस्ट हर टाइप के आप 7-8 सेट सॉल्व कर चुके हैं, ठीक। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि आप जो 400 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं या कर रहे हैं उसको क्या करो, कैटेगराइज करते जाओ। जैसे आपने अप्रैल में जितने भी किया 2-3, जब भी आपको लगे कि सेट रिपीटेशन हो रहा है आप एक फाइल बनाए रखो, इसमें भी फाइल बना के उसको डिफरेंट कैटेगरी में 1, 2, 3, 4 ऐसे 50 टाइप के हो तो टाइप 50 50 टाइप के सेट बना लो और इस फोल्डर में उसको बना के डालते जाओ। अगर सेम टाइप का मिल रहा है तो उसको सेम टाइप के फोल्डर में बना के रख लो और इसको मंथली या वीकली बेसिस पे रिवाइज करो। जब आप ये 400 क्वेश्चन मतलब 400 सेट आप सॉल्व कर चुके होंगे तो आपको लगे कि अपने ऑलमोस्ट सारे टाइप के सेट सॉल्व कर दिए हैं। जब आप सारे टाइप के सेट सॉल्व कर लोगे उसके बाद से कोई भी नया क्वेश्चन आएगा या मॉक में जब भी आप क्वेश्चन देखो ना तो इसी से मिलते जुलते आएंगे। कैट में भी क्या होगा, इसी से मिलते जुलते आएंगे। जब इसी से मिलते जुलते आएंगे तो आप 100% गारंटी आप अच्छा करोगे, और जब आप एक बार मॉक में अच्छी परफॉर्मेंस देना शुरू करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप अच्छा करते हो। सेम अप्रोच मेरा क्या होगा, सेम अप्रोच मेरा होगा क्वांट के, क्वांट को लेके। क्वांट में भी आप क्या करो, पहले तो टॉपिक हैं जितने, क्वांट में ऐसा नहीं करोगे तब भी आप अच्छा कर सकते हो। क्वांट में पहले जितने टॉपिक्स हैं अप्रैल में उठा के सारे टॉपिक को पढ़ना शुरू करो, हर टॉपिक में जितने फार्मूले हैं उसके नोट्स बनाओ, यानी नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, नोट्स बनाओ, ठीक। हर टॉपिक से 30-40 क्वेश्चन कम से कम कर लो अप्रैल में, जितने आते हैं यानी डेली के बेसिस पे आपको 30-30 क्वेश्चन कम से कम करना पूरे अप्रैल। मई में आप कैट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हुए हैं उसको सॉल्व कर लो, और फिर जून जुलाई से अब देखो जब कैट में प्रीवियस ईयर के पेपर आप सॉल्व करो ना तो जो आपको क्वेश्चन मिले थोड़ा सा भी अच्छा मिलता है, जो आपसे नहीं हो पाता है उसको क्या करो आप, जो टॉपिक है इसी टॉपिक में, जैसे मान लो मैं एलजब्रा लेता हूँ, एलजब्रा हमारा ठीक है, अर्थमेटिक है ठीक, उसके बाद हमारा ज्योमेट्री है और क्या होगा नंबर्स, ठीक। तो अर्थमेटिक में देखो टाइम एंड वर्क है, टाइम स्पीड डिस्टेंस है ठीक,
उसके बाद से क्या आता है, प्रॉफिट लॉस होता है, पीपीएल होता है, एवरेज मिक्सर एलिगेशन, ठीक, ये होता है। अब सारे टॉपिक जब भी कैट में इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिखे इस टॉपिक से, तो जो अच्छा क्वेश्चन दिखा आपको इसी में इसको फाइल में टाइम एंड वर्क बना के इसके अंदर डाल दो। ऐसे टीएसडी का क्वेश्चन मिले तो इसके अंदर रख दो, पीपीएल का मिले तो इसके अंदर, सेम एलजेब्रा में अगर एपी का है तो एपी के अंदर लिख दो, एपी का मतलब सिक्वेंस एंड सीरीज से बात कर रहा हूँ। लॉगरिदम का है तो लॉगरिदम के अंदर लिख दो, ज्योमेट्री में ऐसे ट्रायंगल्स का है तो ट्रायंगल के अंदर, सर्किल का क्वेश्चन है तो सर्किल के अंदर, फाइल बनाते जाओ आप। एक्सरसाइज आप मॉक के साथ करो, जो मैंने बताया कि पाँच से छः साल के मॉक। अब देखो जो आरसी के क्वेश्चन थे, एलआरडीआई के थे या क्वांट के थे, जो प्रीवियस ईयर के मॉक है ना उससे बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी जब ऐसा आप करोगे मेरे दोस्त। गारंटी है कि जब 3-4 महीने तक अगर आप एक्सरसाइज कर पाते हो, देखो सब कुछ डिपेंड करता है क्या आप ऐसा कर पाओगे। मैंने बहुत सी बातें बता दी, बहुत सारी चीज़ें कर दी, क्या आप ऐसा कर पाओगे? आप ऐसा करते हो तो मैं गारंटी लेता हूँ आपकी परसेंटाइल बहुत अच्छी आएगी, आप जितना अभी सोच रहे हो उससे बहुत अच्छी आएगी। आपको क्या करना है, वीआरसी में रीडिंग करनी है, एलआरडीए में सेट सॉल्व करना है रेगुलर बेसिस पे, और हर एक सेट का फोल्डर बना के रखना है ताकि सेम टाइप के सेट को आप सेम फोल्डर में रख सके। यानी पहले क्या करो, फाइल्स बनाओ, फिर सेम टाइप के सेट को सेम फोल्डर में रखो, ठीक है ना, जिससे आपको दो फायदे होंगे, रिवीजन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है ना, और मॉक में या कहीं भी आपका परफॉर्मेंस डे बाय डे इंप्रूव होगा। ये आपको करना एक्सरसाइज, जितने भी स्टूडेंट्स ने ऐसा किया है उनका फायदा हुआ, इसलिए मैं आप सबसे ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। और अगर आप इतना करते हो तो आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं, कोई वीडियो कोई मोटिवेशनल स्पीच देखने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप में इंप्रूवमेंट को देखोगे और जो भी टारगेट आप अचीव करना चाहते हो आप अचीव कर लोगे, ठीक है। और साथ ही साथ जो बेसिक टॉपिक्स होते हैं जैसे एलआरडीआई या क्वांट में टॉपिक्स होंगे, उनकी क्लासेस मैं रेगुलर बेसिस पे आप यहाँ पे अपलोड करता जाऊँगा। आप लोग अगर जरूरत पड़े तो आप जो भी टॉपिक पढ़ना चाहते हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।